क्या आपने कभी ऐसी लड़की देखी है जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो? ऐसी अतरंगी परेड कौन से देश की है? और ये पेड़ के अंदर ये कुत्ता कैसे फंस गया? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 मिली हरनाम कौर से। इनकी लड़कियों में दुनिया में सबसे लंबी दाढ़ी है। जब ये छोटी थी तो इनकी दाढ़ी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे इनका बहुत मजाक उड़ाते थे और ये रोने लगती थी। फिर इन्होंने बालों की थ्रेडिंग करके उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बाल दोबारा आए और बहुत ज्यादा तेजी से आए और बहुत घने आए। फिर बच्चों ने और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर हरनाम ने सोच लिया कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। इन्होंने फिर खुद को जैसी थी वैसी एक्सेप्ट किया और दाढ़ी पालना ही शुरू कर दिया। और आज की तारीख में ये बॉडी पॉजिटिविटी एक्टिविस्ट है। ये वो एक्टिविस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही सही हो, अगर आप मोटे हो तो मोटे ही ठीक हो, पतले हो तो पतले ही ठीक हो, आपको कोई जरूरत नहीं है जमाने के लिए खुद को चेंज करने। फैक्ट नंबर 9, ये वीडियो है थाईलैंड की आर्मी डे का, जब वहाँ की आर्मी ऐसे अजीबो गरीब तरीके से परेड करती है। क्या लगता है इनका डांस इंडिया डांस में सिलेक्शन हो जाएगा? वैसे मेरी तरफ से तो हाँ है। फैक्ट नंबर 8, किस्सा है स्टकी नाम के कुत्ते का जो 60 सालों से ऐसे पेड़ के अंदर कैद है। बात है आज से 60 साल पुरानी, जब ये कुत्ता किसी छोटे से जानवर के पीछे पड़ा होगा और जब वो जानवर इस पेड़ से होते हुए गुजरा होगा तो वो तो अपने छोटे साइज की वजह से निकल लिया होगा, लेकिन ये कुत्ता उस पेड़ के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया। वहाँ पर वो बहुत दिनों तक भूख की वजह से तड़पा होगा, फिर उसकी मौत हो गई होगी। और फिर इसके 60 साल के बाद जब लोग उस पेड़ को काटने के लिए आए तब उन्हें इस कुत्ते की बॉडी मिली, और आज भी ये कुत्ता इस पेड़ के अंदर ही है, जॉर्जिया के म्यूजियम में रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पायलट ने, क्योंकि उसकी लैंडिंग सही से नहीं हो रही थी तो इसलिए उसने एक न्यूक्लियर बम आसमान से फेंक दिया, तो क्या आप विश्वास करोगे? ऐसा ही हुआ था। साल था 1958, यूएसए की एयरफोर्स ट्रेनिंग कर रही थी और इसी ट्रेनिंग के दौरान उनके 2 एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए और उसी में से B-47 एयरक्राफ्ट पर मौजूद थे मेजर हॉवर्ड, और प्लेन का वेट ज्यादा होने की वजह से वो सही से लैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। तो फिर प्लेन को हल्का करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक 4 टन का न्यूक्लियर बम नीचे फेंक दिया। बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद प्लेन तो सेफली लैंड हो गया, लेकिन वो 4 टन का बम अटलांटिक ओशन में कहीं गुम हो गया। इसके बाद बहुत सारी कोशिशें की गई कि उस बम को ढूंढा जा सके, लेकिन वो बम आज तक नहीं मिल पाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिस दिन फटेगा उस दिन पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चींटियां हैं वो जब पेड़ के सामने खड़ी होती होंगी तो उन्हें कैसा लगता होगा? अगर वही चीज फील करना चाहते हो तो जा सकते हैं यूएसए के कैलिफोर्निया में बेस्ड सिकोया नेशनल पार्क में। इस पार्क में दुनिया के सबसे बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं और इतने पुराने पेड़ जो आज से 2000-3000 साल पुराने हैं। इनके सामने खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। तब नीदरलैंड का एक शिप था जो इंडोनेशिया के जावा में फंसा हुआ था और उसे जाना था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो जापान के एयरक्राफ्ट थे वो आसमान में घूम रहे थे, उनसे बचना इम्पॉसिबल था। फिर इसके बाद नीदरलैंड की आर्मी ने एक ऐसी ट्रिक निकाली जो बहुत एपिक थी। उन्होंने अपने पूरे शिप को एक आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? शिप में मौजूद 45 लोगों ने बड़े बड़े पेड़ काटे, बड़ी बड़ी लकड़ियां काटी और उसको शिप के ऊपर रख दिया, जिससे आसमान से देखने पर ये लगता था कि नीचे कोई आइलैंड है। तो ये लोग दिन के टाइम क्या करते थे कि किसी आइलैंड से जाकर चिपक जाते थे, जिससे होता ये था कि जब जापान की एयरफोर्स ऊपर से देखती थी तो उन्हें लगता था कि ये तो आइलैंड है, शिप कहाँ पे। दिन में वो ऐसा करते थे और फिर वो रात को ट्रेवल करते थे, और इस चीज में उनकी मदद हो पाई इंडोनेशिया के 18,000 आइलैंड की वजह से। हाँ, इंडोनेशिया के पास 18,000 आइलैंड है। तो ऐसे धीरे धीरे करके रोज ट्रेवल करते रहे और वो टोटल 8 दिन के बाद जावा से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। फैक्ट नंबर 4, हम जो थम्स अप करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी है। बात है आज से 2000 साल पुरानी एंशिएंट रोम की। तब वहां पर बड़े बड़े स्टेडियम्स के बीच में ग्लैडिएटर्स लड़ाई करते थे। ग्लैडिएटर्स होते कौन थे? ये होते थे प्रिजनर्स जो क्राइम कर जेल के अंदर आए हुए होते थे, और इनके बीच की लड़ाइयों को देखने के लिए ऑडियंस बैठी रहती थी। जब एक ग्लैडिएटर जीत जाता था और दूसरा घायल हो जाता था तो जीतने वाला जनता की तरफ देखता था, और अगर जनता थम्स अप करती थी तो इसका मतलब सामने वाले ग्लैडिएटर को मार देना है, और अगर जनता थम्स डाउन करती थी तो इसका मतलब था कि ग्लैडिएटर को छोड़ दो, उसे मत मारो। फैक्ट नंबर 3, अभी दिल्ली में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे 2000 रुपए का फाइन लिया जा रहा है, लेकिन ये जो फाइन है ना, इसका पर्पस कोरोना वायरस कम है, सरकार का पैसे कमाना ज्यादा है। मैं बताता हूँ कैसे। दिल्ली में 2 तरीके की जगह है, एक वो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और एक वो जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। तो सारे के सारे पुलिस वाले कहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? वहाँ पर जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। मॉल्स के पीछे छुपकर पुलिस वाले छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और फिर अचानक से आकर फोटो खींच लेते हैं और फिर बोलते हैं पैसे निकालो। और वहीं दिल्ली के जो गरीब एरिया है वहाँ पर लोग मस्त घूम रहे हैं, मस्त बिना मास्क के घूम रहे हैं, और वहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस वाले को पता है इनसे 2000 रुपए मांगेंगे तो ये लोग तो बोल देंगे हमारे पास है नहीं पैसे, 2000 रुपए कहाँ से लेकर आए, वैसी जॉब जा चुकी है लॉकडाउन की वजह से। और इलेक्शन के टाइम पे बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, तब कोरोना वायरस टाइप की कोई चीज नहीं थी, और अब जब किसानों को प्रोटेस्ट करना है तो बोलते हैं कोरोना है, बहुत बढ़िया। तो उसका मतलब कोरोना भी नेताओं की सहूलियत के हिसाब से आता है। फैक्ट नंबर 2, आपने बचपन में सुना होगा कि गाजर खाने से आपकी आंखें तेज होती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता। इसके पीछे था एक खतरनाक प्रोपेगेंडा। देखो, साल थे 1940s के और वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और उसमें ब्रिटेन ने पहली बार सीक्रेटली रडार की खोज कर ली थी, लेकिन ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि दूसरे देशों को ये पता चल पाए कि उन्होंने रडार की खोज कर ली है। तो जब ब्रिटेन की सरकार से ये सवाल पूछा जाता था कि तुम्हारे जो एयरफोर्स के पायलट हैं वो रात को मिशन कैसे कर पा रहे हैं, इतना अच्छा कैसे
देख पा रहे हैं वो। तो तब ब्रिटेन की सरकार ने ये झूठ बोला कि वो कैरेट बहुत खाते हैं ना, बहुत गाजर खाते हैं, इसकी वजह से उनकी आंखें बहुत तेज हैं, तुम भी खाओ तुम्हारी भी हो जाएंगे। फैक्ट नंबर वन, साल था 1896, तब इंडिया की अपनी कोई क्रिकेट की टीम नहीं थी, तब केवल ब्रिटेन की टीम थी। और उस समय एक प्लेयर निकल कर आए रंजीत सिंह के नाम से, और रंजीत सिंह इतना अच्छा खेलते थे कि ब्रिटेन की क्रिकेट टीम ने इन्हें अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया। और ये इंडिया के पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने इंटरनेशनल खेला था और ब्रिटेन की टीम से खेल पाए थे, और उन्हीं को ऑनर करने के लिए आज रंजीत सिंह ट्रॉफी खेली जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।